कम से कम यहाँ पर 1,000-1,200-1,500 लोग हैं, जिसमें से 13.5 तालियां बजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. राइट और इतना कमाल का साइलेंस आपने यहाँ पर मेंटेन किया, मुझे ऐसे लगा कि आप यहाँ पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट नहीं बल्कि बाबा रामदेव जी का प्रवचन सुनने आए हो. ओके एंड वी आर नॉट परफॉर्मिंग इन ब्रिस्बेन और मेलबर्न और एडिलेड, वी आर परफॉर्मिंग इन सिडनी. ओके एंड डाउन देयर इन मुंबई वी ऑलवेज से कि आर्टिस्ट की लाइफ बिल्कुल अधूरी सी है अगर उसने ऑस्ट्रेलिया में आके सिडनी के लोगों का रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस नहीं किया. सो आई हैव बीन टू सिडनी कपल ऑफ टाइम्स, सो आई नो द रिस्पॉन्स इज यूजुअली अ लॉट ऑफ नॉइज एंड ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉजेस. सो कैन वी हैव अ रिहर्सल प्लीज, द एंटायर अरीना, जरा जोरदार तालियां हो जाए. सुपर. And Sydney being a cosmopolitan city, I'm pretty sure that a lot of communities are here today to grace this show. Indian show hai to Indian log to honge, you know, that goes without saying. How many Pakistani people in the crowd? Salaam alaikum. Bahut bahut shukriya aap aane ke liye. And how many people from Bangladesh? Salaam. How many people from Nepal? Acha, aap har baat pe zordar taaliyan baja rahe ho. मैंने जब पाकिस्तानी कहा तभी तालियां बजा रहे थे, जब बांग्लादेशी कहा तभी. आई मीन वी नीड ग्लोबल सिटीजन्स लाइक हिम, यू नो. थैंक यू. एंड हाउ मेनी पीपल फ्रॉम फिजी? ऑस्ट्रेलिया में फिजी लोगों के बगैर कोई इंडियन शो पूरा हो ही नहीं सकता. यू नो वन ऑफ द वेरी वेरी फाइनेस्ट एनर्जेटिक क्राउड, यू नो यू गाइज, यू नो बाकी के लोग तालियां बजा के वो क्या कहते हैं, वो खिचड़ी बना देते हैं, आप उसके ऊपर तड़का मार देते हो. राइट, सो कैन वी हैव द स्पेशल फिजी नॉइज एंड क्लैप्स प्लीज ओनली. सुपर. एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस ग्रैंड म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंसा, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी प्रॉमिस यू समथिंग, दैट टुडेज म्यूजिकल इवनिंग इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट मेस्मराइजिंग म्यूजिकल एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ टाइम. दिस इज अ प्रॉमिस. इस प्रोग्राम को एक यादगार कॉन्सर्ट बनाने के लिए सिर्फ आपसे अगर हमें कुछ चाहिए तो वह आपका प्यार, आपका सहयोग, खूब सारा शौर और जोरदार तालियां. राइट एंड आफ्टर दैट दिस शो इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली किक-ऐस इवनिंग फॉर यू गाइस. एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जस्ट गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस फिनोमिनली टैलेंटेड म्यूजिशियंस हियर ऑन द स्टेज. यू नो यू आर फॉर्चुनेट टू हैव दिस टैलेंटेड गाइस हियर ऑन द स्टेज. एंड वी हैव अ लोकल म्यूजिशियंस ऑल द वे फ्रॉम मेलबर्न. He hails from Kathmandu but lived a lot in Assam and now he's in Melbourne. Chet. So now without wasting a single second or a minute, let's get down to business. And the very first performer I'm going to invite here on the stage, is kalakar ki awaaz mein ek bahut hi pyari si jadoo hai. Aur mera daawa hai ki dosto jaisi inki awaaz inke khoob matlab inke gale se nikalte hue is cordless mic ke zariye aapke dilon ko chuhegi, aapki taaliyan. इस बात का सबूत होगा इस आवाज को आपने कबूल किया या नहीं. ही यू मस्ट हैव सीन हिम ऑलरेडी ऑन टेलीविजन ऑन स्टार प्लस. देयर वाज अ वेरी वेरी अमेजिंग एंटरटेनिंग शो कॉल्ड वॉइस ऑफ इंडिया. उस प्रोग्राम के ये फर्स्ट सीजन के फाइनलिस्ट थे. बहुत ही उम्दा कलाकार है. हेल्स फ्रॉम कैलकटा एंड इज अ रेगुलर विद अलका याग्निक व्हेनेवर शी ट्रैवल्स ऑल अराउंड द ग्लोब. सो सिडनी प्लीज जॉइन हैंड्स एंड वेलकम द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ टुडेज इवनिंग इज नो अदर दैन द वेरी टैलेंटेड कौशिक.
की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं पतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को हे बजाऊं वारी वारी। मोहे सुख बुद्ध नाय रही तन मन की ये तो जा सारी बेबस लाचार फिरू मैं हारी मैं दिल हारी हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मिल जाऊं तेरे नाम से चीरू तेरे नाम से लुट जाऊं तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। तूने क्या कर डाला मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। करे सानी धानी धावानी सा करे सानी सा पावा का मगरे पावा का मगरे करे सारे करे सानी धानी धावा करे सानी धानी धावा करे सानी सा। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले है इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले। खूब लगा लो पहने रस्ते रब खोले कभी इश्क की मर्जी है कभी रब की मर्जी है। मर्जी है तेरे बिन जीना कैसा क्या खुद करसी है। तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। सब पिंड जाऊं है मैं तीर धर्म से
बेगानी है मैं दीवानी, मैं दीवानी तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, है तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी। Thank you so much. Good evening, Sydney. How are you? I'll not take much time before I present the next song, which is a beautiful song for all the beautiful people out here in this house. Sung by the one and only Kishore Kumar ji. So I would like to give a round of applause to Kishore Kumar ji, who are the fans here for them. From you guys. Thanks for the appreciation. But this one in the rhythm. One. Two. Ek ajnabi haseena se yun mulaqat ho gayi. Phir kya hua ye na poocho, kuch aisi baat हो गई। सिंग अलोंग। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। This will go everyone. अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। जाने
कर कहता गजल तेरी अदाओं पर। ओ जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर नगर कहता गजल से खफा हो जाने हया हो गई एक अजनबी हसीना से क्यों मुलाकात हो गई है फिर क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो। Make it simpler for you guys. La 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 la, everyone. La 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 la. Love you so much. Thank you, guys. See you again. Thank you, Kaushik. Like I told you, that absolutely is going to be a very awesome performer. I think he deserves a louder applause from you guys. Come on. Thank you. He's going to come back again, of course. Stage pe khade rahe ke main de sakta hun ki you guys are pretty settled down, pretty comfortable. By any chance, do you have seat belts on the seats? No? I wish you had, because the real excitement of today's evening is about to begin now. Ladies and gentlemen, the performer, the queen, the diva, the rock star, the superstar, I'm going to invite her on the stage. Actually speaking, she doesn't need any kind of an introduction because she is already a household name wherever Indian music is loved, cherished, and enjoyed. Legendary performers, not just from India, but all around the world, have already proclaimed her as a living legend of Indian music industry, whose name would be always remembered with golden words if ever there's a history written on Indian music. Is artist ke bare mein dosto matlab jitne awards hai jitne bhi prestigious awards Indian music industry ke related hai wo sare awards dosto is kalakar ne apne naam par kar diye. I mean there is not a single prestigious award which this performer has not won. Is artist ke liye main dosto sirf yahi kahunga ki बहुत सारे कलाकार हैं जो संगीत के लिए पैदा होते हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो संगीत के लिए पैदा होते हैं, से बहुत कम कलाकार हैं जिनके लिए संगीत पैदा होता है। ये उस श्रेणी, उस दर्जे की, उस वजूद की परफॉर्मर है, एंड ट्रस्ट मी सिडनी, यू गोइंग टू हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टुडे, अ ग्रैंड म्यूजिकल एक्सपीरियंस इन फैक्ट। सो आर यू गाइज रेडी? ऐसे लग रहा है 10-15 दिन आपने कुछ खाना ही नहीं खाया। कम ऑन सिडनी, आर यू रेडी फॉर एन इनक्रेडिबल म्यूजिकल एक्सपीरियंस? सो ब्रेस योरसेल्फ, कमिंग अप ऑन द स्टेज द क्वीन ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, द ब्यूटिफुल, द रैविशिंग, द सेंसेशनल, द वन एंड ओनली अलका याग्निक। Ever since the golden era began, her voice began to rule the minds of listeners. The queen of melody, Alka Yagnik. I want to wish Alka ji my best, because it's not easy for a singer to sustain for a long time in this industry now, and she's got such a gifted voice. Lagan, we have Ashutosh Kavarekar, who's such a big fan, who actually probably introduced her fully to me. Born in the land of melody, Kolkata, she resembles that sweetness in her voice. Alka Yagnik's career began at the age of 6. From the opening notes of Mere Angne Mein Tumhara Kya Kaam Hai, her first song, Mere Angne Mein, one hears that combination of melodic irresistibility and mesmerizing notes that became Alka Yagnik's hallmarks.
Ever since I heard her beautiful voice in Kayamat Se Kayamat Tak, I was a fan. Alka has not only been responsible for some of the most beautiful love songs, beautiful entertaining songs and beautifully cinematic songs for the past over 3 decades, I think. Alka Yagnik's voice is the sound of many well-known and famed heroines of the 90s. Kayamat Se Kayamat Tak Se, jo awaaz mere saath reh gayi, wo thi Alka ji ki. फिर एक जमाना आया जब मैं सेटल करने के लिए मुंबई आया IIT1 में, तो मैं जहाँ जहाँ जिस स्टूडियो में जाता था सेटल करने के लिए, वहाँ से वो या तो आ रही होती या जा रही होती थी। जो कनेक्टिविटी होती है, जैसे किशोर दा के साथ आरडी बर्मन जुड़ गए थे, वैसे अलका जी के साथ हम लोग जुड़ गए। वर्किंग विथ यू हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, अ वंडरफुल बॉन्डिंग, एंड आई रिमेंबर यू एज ऑलवेज अ वेरी ग्रिटी लेडी। द फिल्म इज रिफ्यूजी। अगर आपको गाना याद होगा, पंछी नदिया पवन के झोंके, जो सोनू जी के साथ गाया, ऐसा लगता है एंड कट टू वरना। तो जितनी खूबी से जावेद साहब ने लिखा है इसको, उतनी खूबी से अलका ने इसको निभाया। She has done playback singing for prominent actresses like Madhuri Dixit, Juhi Chawla, Aishwarya Rai, Rani Mukherjee, Karishma Kapoor and Kareena Kapoor. Alka Yagnik has sung more than 15,000 songs over 700 films. मुझे अच्छी तरह याद है कि एक गाना जो बहुत बड़ा हिट हुआ था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अलका उनमें से हैं जिनको परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। She has won 7 Filmfare Awards, 5 Screen Awards and 2 National Awards and has been nominated for more than 1,000 times. नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। ईश्वर करे उनका नाम और हो, और वैसे ही वो गाती रहे। गाना ही एक आर्टिस्ट का जीवन होता है, तो मैं आशीर्वाद करती हूँ कि उनको हमेशा हमेशा यश प्राप्ति हो और बहुत बहुत बड़ी सिंगर बने। She has done many reality shows, namely Saregama Pa Star Voice of India as judge and Saregama Pa Little Champs as Mahaguru. She has been consistently greeted with love and exceptional accolades by public for her performances in the most important concert halls throughout the world. मेरे अंगने में गाना उन्होंने जो फीमेल वर्जन था वो गाया था। लगा तो नहीं था जब उन्होंने गाना गाया, तभी उनका पहला गाना, और कई सालों से उनके साथ मुद्दों के साथ मेरा संबंध रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं और एक कार्यक्रम जो है जो खूब सफल हो, ये मेरी आशा है। So ladies and gentlemen, hold your breath and put your hands together for the Nightingale of India, Alka Yagnik.
Today, great. Can I just request जो पीछे बैठे हैं वहां पे ऊपर जो बैठे हैं ना, please come down. Come here, all of you. Because you're too far, I can get to see you better from here. Come on. Just fill up this space and leave that. Okay, बहुत खूबसूरत दिन है आज और आप लोग एक बहुत खूबसूरत देश में रहते हैं. हाँ, ये बात और है कि ये आपका वतन नहीं है, लेकिन आपका जो जी आपका वतन है. हाँ, आपका वतन नहीं है पर ये आपका वतन है. और इतनी खूबसूरत जगह है, इतना अच्छा मौसम है, इतने अच्छे लोग हैं कि मुझे लगता है कि कभी कभी मैं भी आ जाऊँ, यहीं रहूँ थोड़े दिन. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर दिस इवनिंग एंड आई हैव चोजन सम मेलोडियस सॉन्ग्स फॉर यू टुडे. कुछ गाने मैंने अपने जो पॉपुलर गाने हैं वो मैंने चुने हैं और आई होप जो मैंने गाने चुने हैं आपके लिए आज वो आपको अच्छे लगे. और क्योंकि एक इन वन इवनिंग इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंग ऑल द पॉपुलर सॉन्ग्स, ऑल द हिट सॉन्ग्स, बट आई हैव ट्राइड टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट. और ये जो गाना अब मैं गा रही हूँ ये आज के दिन को देखते हुए, आज का दिन बहुत अच्छा है, खूबसूरत दिन है, इट्स अ लवली डे एंड द सॉन्ग सेज द सेम थिंग. हियर गोस. अकेले मजा आ रहा है.
Thank you. अच्छा मैं आई जस्ट वांट टू सी कि यहाँ हु इज वेयरिंग दैट कलर. क्या हुआ अभी जो द नेक्स्ट सॉन्ग आई एम गोइंग टू सिंग इसमें एक कलर का जिक्र है एक रंग रंग का जिक्र है. सो आई वांट ऑल द पीपल वेयरिंग दैट कलर टू डू व्हाट टू डांस दैट्स राइट. आपको क्या लगता है आप ऐसे बैठे बैठे शो देखते रहेंगे और कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा. सो आई वॉन्ट ऑल द पीपल वेयरिंग दैट कलर इन पर्टिक्युलर इवन इफ यू नॉट वेयरिंग दैट कलर इट्स फाइन यू कैन गेट अप एंड डांस एंड एंजॉय योर सेल्फ बट इट बी नाइस टू सी सिडनी डांस टू माई ट्यून्स. ओके सो हियर गोज. Loud, no problem. उसकी जो पाइपिंग है ना साइड वाली वो रेड है तो चलेगा चलेगा ना. ओके सो हियर गोज. लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से. अरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से. मुझको पिया ने देख लिया हाय रे झोंके से. मेरी जान ले जाओ.
That was so sporting of you. Arey, डांस क्या कर लिया, सबसे गले मिलने लगे आप? अरे नहीं नहीं, ये क्या बात है, नॉटी बॉय. ओके, द नेक्स्ट सॉन्ग जो मैं गा रही हूँ ये बहुत ही मीठा सा गाना है, प्यारा सा, मीठा सा, रोमांटिक सा गाना. इट्स वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, सो आई वांट टू सिंग इट फॉर यू. मैं आशा करती हूँ दैट यू ऑल ऑल्सो लव दिस सॉन्ग. Oh,
Thank you so much. I love you all too, really. I'm saying it from my heart. And I've come from very far just to sing for you, to make you happy, to entertain you. And I hope I keep coming back. जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आ चांद निकला। Ready to dance again? आप तो permanent हैं, आपको तो डांस करना ही है हर गाने में। और एक पाजी आए थे डांस करने, मगर वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके चले गए। आएंगे ना? चलो ठीक।
बहुत बड़े बड़े धुरंधर लोग आए हुए हैं डांस करने, लेकिन डांस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुझे देख रहे हैं। और ये तो और भी सबसे बड़े धुरंधर यही हैं। ओ भाई, ओ बच्चू, देखो इसने ये अब डांस शुरू करने वाला है, वाला है या वाली पता नहीं, ये लड़का है लड़की है, वेरी क्यूट ऑल ऑफ देम, गॉड ब्लेस। ओके, दिस सॉन्ग, ये कुछ नया नया सा है गाना, पुराना नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इस गाने को बहुत पसंद किया है, एंड आई वाज टोल्ड दैट आई मस्ट सिंग दिस सॉन्ग, सो हियर गोस। पल भर के जाओ दिल ये समझ जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आंखों में तुमको भरूं, बिन बोले
अगर तुम साथ हो तेरी नजरों में है तेरे सपनों में है नाराजी मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों के धोखे बाजी तुम साथ हो या न हो क्या बहुत देर बैठ लिया आप उठिए अच्छा मतलब बीवी को बीवी है ना आपकी अच्छा वो बाबा बीवी है वो कोई मैन किस गर्लफ्रेंड है ना तो मतलब उनके बिना आप उठेंगे नहीं उनका हाथ पकड़ कर ही उठेंगे बीवी ने बोला होगा खबरदार क्या अलका आ रही है क्या अच्छा He is a naughty boy. जरा कान खींच के रखिए उनका अच्छा और कौन करेगा पाजी चलिए आप चलिए चलिए हाई टाइम अभी तो ये आपका ही गाना है ये गाना जो है इसमें आप डांस नहीं करेंगे तो किस गाने में डांस करेंगे रेडी एंड ऑल ऑफ यू एनी वन हु वुड लाइक टू डू अ लिटिल जिग इज मोस्ट वेलकम बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिंदियों नहीं लगदा मैं ते मर गई
चाहिए रविराज. थैंक यू अलका जी. सो आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस आर एंजॉयिंग. डांसर्स जो थे वो लोकल सिडनी के ही थे तो उनके लिए जरा जोरदार. वेरी गुड डांसर्स गर्ल्स यू आर ब्रिलियंट. गॉड ब्लेस कीप इट अप. इसके बाद दोस्तों अब उस कलाकार को हम स्टेज पर तशरीफ लाने की दावत देने जा रहे हैं. आई मीन यू गाइस एंड इंक्लूडिंग वी ऑल आर्टिस्ट आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव हिम इन दिस शो टुडे. म्यूजिक की जब बात आती है तो हिंदुस्तानी फिल्मी जगत में दोस्तों इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है. एंड दे आर द वंस आई मीन इट्स अ डियो एक्चुअली विच एक्चुअली रिवोल्यूशनराइज कम्प्लीटली द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री. दे रियली चेंज द एंटायर ट्रेंड ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री एंड दे रूल्ड the Indian music industry for 10 to 15 glorious years. You know, even now. Inke jo banaye hue gaane hain, wo aapke apne zehen, apne dil mein lekar chalte ho. And I'm pretty sure ki dosto, ye naam jaise main abhi announce karunga, aapke muh se sirf wah niklegi. Yes, I'm talking about the legendary Nadeem Shravan Dio. And we have, unfortunately, we don't have Nadeem ji, but we have Shravan ji with us, who is an amazing musician, composer, arranger himself. So please join hands and welcome the legend of Indian music industry, Mr. Shravan Rathore. नमस्कार अलका जी. फैंटास्टिक फैंटास्टिक बहुत कमाल की ऑडियंस है भाई. आप लोग इतना चीयर अप कर रहे हैं कि हम लोगों की एनर्जी डबल हो जाती है. क्या बात है. एक जबरदस्त जबरदस्त शोर हो जाए जबरदस्त. थैंक यू डियर. आप सबको नदीम श्रवण की तरफ से गुड इवनिंग और नमस्कार. हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं कि आज हम यहाँ सिडनी में हैं आप लोगों के सामने. एक छोटा सा शेर मुझे याद आ रहा है कि फिर उम्मीदों की रात आई है और चांद तारों को साथ लाई है. फिर उम्मीदों की रात आई है और चांद तारों को साथ लाई है. सिडनी की मोहब्बत का असर देखो हम सबको महफिल में खींच लाई. थैंक यू. स्टेज पर अलका जी हैं और आज बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में हैं. बहुत क्या गाना गा रही हैं. एक से एक आवाज़ बहुत खुली हुई है. और हमेशा हम रिकॉर्डिंग में हमेशा अलका जी को बोलते हैं कि अलका जी क्या बात है. जैसा गाना होता है वैसा ही मूड अलका जी का बन जाता है. चाहे अगर वो डांस का हो तो डांस का मूड होता है. कोई इमोशनल गाना हो तो वो इमोशनल हो जाती है. मुझे बहुत खुशी है कि हम और अलका जी आपके सामने हैं और कुछ कुछ नजराना पेश करने की कोशिश करेंगे जी. मैं कहना चाहूँगी कि बहुत खुशकिस्मत हूँ कि नदीम श्रवण के इतने अच्छे अच्छे कॉम्पोजिशंस मुझे गाने को मिले हैं. और बल्कि मेरे करियर के बहुत ज़्यादातर जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं हिट सॉन्ग्स हैं वो नदीम श्रवण के म्यूज़िक में हैं. और एवरग्रीन गाने हैं. मतलब आप कब तक सालों तक चल रहे हैं सालों से चल रहे हैं और सालों तक चलेंगे ऐसे गाने हैं. और आज हम लोग आपको एक मेडली सुनाएंगे. मेडली ऑफ सॉन्ग्स. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट अ मेडली इज. यस ओके. सो मेडली सुनाएंगे. मेडली ऑफ सॉन्ग्स विच आर कंपोज्ड बाय नदीम श्रवण एंड विच हैव बीन सांग बाय मी ओरिजिनली and composed by Nadeem Shravan. So this combination जो है जो जो गाने हम लोग जो सुपर हिट गाने हैं बहुत सारे हैं वैसे तो but a few songs we'll do a medley for you. Okay? So here goes. Thank you.
नहीं कहता कि प्यार मत करना किसी मुसाफिर का, मगर एतबार मत करना। परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल ना जाना। परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू नजर के सामने आ। मेरी महबूबा तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, समझो तुम ही मुझसे प्यार कर लो ना।
जितना बेकरार है दिल, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। Come on! वाह वाह। आए हो मेरी जिंदगी में तुम पहाड़ बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम पहाड़ बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। आए मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम पहाड़ बनके। आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। आए मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है। तुमसे दिल लगाने की सजा है राजा जी, तुमसे लगाने की सजा है। रुका है क्यों राजा, क्यों मुझसे खफा है, कैसी बेरुखी है मेरे दिल को पता है। तुमसे दिल लगाने की सजा है राजा जी, तुमसे दिल लगाने की सजा।
Thank you very much, Sydney. Thank you so very much. I'll be back
I'll be back with you after a short break. थोड़ी देर में वापस आती हूँ. श्रवण जी और श्रवण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां. एक गाना और भी लेंगे हम लोग. Yes. और a big round of applause for Derek for joining me in the duets. बहुत बढ़िया. Thank you. See you soon again. आती हूँ थोड़ी देर बाद. Thank you very much. Alkaji will be back on the stage after a while. But since we have Shravan ji here on the stage, तो इन्होंने एक गाना बनाया था as a duo, Nadeem Shravan ji ने, जो पिक्चराइज किया था सुपरस्टार ऑफ इंडियन इंडस्ट्री शाहरुख खान साहब के ऊपर. इस गीत को आप 15 अगस्त 26 जनवरी को जरूर सुनते होंगे, बिकॉज द सॉन्ग इवोक्स सर्टन इमोशंस, एंड स्पेशली सिंस यू गाइज आर फार अवे फ्रॉम इंडिया, इस गाने की अहमियत थोड़ा ज्यादा ही है आपको. तो श्रवण जी, क्यों ना वो गीत आप सुनाकर लोगों को नजराना दे. आप परदेश का गाना है और उसके शब्द आपको सबको पता है, आई लव माई इंडिया. कौशिक, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदियां. ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया. ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया. ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. फिर मिलेंगे सिडनी. थैंक यू वेरी मच. वन सेकेंड. आई थिंक श्रवण जी डिजर्व्स अ लाउडर अप्लॉज. कम ऑन, गिव इट टू हिम. थैंक यू वेरी मच. ओके, कुछ लोग शायद अभी अभी आ रहे हैं, उनके टिकट पे अलग टाइमिंग थी शायद. एनीवे, हाँ तालिया, आपने आप प्रोग्राम शुरू से अब तक आपने सोचा होगा, देखा होगा कि यार ये लड़का कभी भी स्टेज पे आता है हमारे हाथ धो के पीछे पड़ जाता है जोरदार तालियां बजाने के लिए. पर अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे तो दोस्तों आपको कंजूस की आदत पड़ सकती है, और कंजूस की आदत जो है एक अजीब आदत है. एक कमाल का किस्सा आपको सुनाता हूँ. मेरा एक दोस्त था, यकीन माने इतना कंजूस था कि शादी के बाद हनीमून को अकेले चला गया. और बात यहाँ तक नहीं रुकी, हनीमून जाने के बाद साहब ने अपने वाइफ को एक लेटर लिखा, लेटर के साथ साथ एक बैंक का चेक भी पोस्ट किया. चेक पे लिखा था, माय ओनली वाइफ, 50,000 किसेस ओनली. अब 15-20 दिन के बाद साहब अकेले हनीमून से लौटे, अपने वाइफ को पूछा, मेरा लेटर मिला? बोले जी मेरा ना, काफी रोमांटिक लेटर था आपका. और जब ने बैंक का चेक भेजा था, कौन सा 50,000 किसेस ओनली, बोला सो स्वीट, दैट वाज सो रोमांटिक एंड क्यूट. तो क्या क्या उस चेक का, चेक तो आप भी नहीं दे रहे, इसलिए बाजू वाले से कैश करके लिया. तो खुदा ना खास्ता ऐसी आदत पड़ जाए, इसलिए तालियां जरा जोरदार बजनी चाहिए. मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे हैं वो भी इस जोक पे हंस रहे हैं. लोग कहते हैं दोस्तों बच्चों में खुदा होता है, भगवान होता है, गॉड होता है. सही बात है, पर कुछ बच्चों में दोस्तों अमरीश पुरी और शक्ति कपूर भी होता है. बॉम्बे में दोस्तों मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरे बिल्डिंग में एक 6-7 साल का लड़का रहता है, नाम है उसका रिंकू. उस दिन मैं सड़क से गुजर रहा था, दौड़ते दौड़ते मेरे पीछे आया, मुझसे कहने लगा कि अंकल आपको इंग्लिश में 1-100 लिखने आता है? मैंने बिल्कुल लिखने आता है. बोले प्लीज़ लिख के दिखाइए. मैंने उसकी नोटबुक ली, उस पर 1-100 लिख के दिया. बाद में बच्चा मुझसे कहने लगा, थैंक यू अंकल, होमवर्क हो गया. और ये कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, मैंने सोचा कि थोड़ी सी इससे कुछ बातचीत कर लूँ. मैंने बोला स्कूल में क्या सिखाया था? मैंने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाया.
हिस्ट्री में मैं क्या पढ़ा, मैंने हमें गांधी जी की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई। बोले एक बात बताना, गांधी जी बारिश हो, धूप हो, छाव हो और गर्मी हो, अपने हाथों से बना एक सिंपल सा प्लेन पायजामा अपना पंचा पहन के क्यों घूमते थे? बोले सिंपल है अंकल, वो अपने ज़माने के सलमान खान थे। वाओ, यू नो। तो एनीवे, लाइक आई सेड व्हेन आई मेंशन्ड बिफोर वी स्टार्टेड द शो दैट बीइंग इन सिडनी वी हैव ऑफ कोर्स अ कॉस्मोपॉलिटन क्राउड एंड अ ह्यूज इंडियन कम्युनिटी हियर, सो हाउ मेनी गुजराती पीपल आर इन द क्राउड? एक कंट्री बताना जहां पर गुजराती नहीं है। आई मीन यू ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब वहां पर एस्किमो नहीं मिलेंगे पर गुजराती जरूर मिलेंगे, यू नो। एंड यू नो व्हाट, इन आर इंडियन कल्चर वी हैव दिस गॉडेस ऑफ वेल्थ, गॉडेस ऑफ हेल्थ, इफ एवर देयर वाज अ गॉड ऑफ इमिग्रेशन, वो सबसे मेहरबान गुजराती कम्युनिटी पे होता। बिकॉज गुजराती पीपल डोंट गेट इन टू दैट, यू नो, द होल क्रैप ऑफ पीआर एंड वीजा एंड फॉर्मेलिटीज एंड ऑल दैट। They just close their eyes and just think, इस कंट्री में जाना है, जा चले जाते हो। I'm not a Gujarati by the way, but I have immense respect for this Gujarati community, you know. ये गुजरातियों की खास बात है, पूरी बात सुनने के पहले ही तालियां बजा देते हैं। Okay, no, jokes aside, मुझे गुजराती community, I really respect this community. The reason for that is because I've been traveling all around the world performing my shows and all that, and wherever I have gone, I have seen Gujaratis who are hardworking, creative, super successful, okay, at the same time they keep their Indian culture absolutely intact wherever they are. Abhi taaliyan nahi baja rahe, dekho, मतलब जहां पर भी मैंने गुजराती आदमी को देखा, उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बहुत इंटैक्ट रखा। एंड गुजराती पीपल आर वेरी कल्चरली स्ट्रांग पीपल, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कल्चरली कि वो वैलेंटाइंस डे भी कल्चरली सेलिब्रेट करते हैं। अब इस वैलेंटाइंस के दिन इस साल गुजरात के सूरत सिटी में हमारा शो था, वी हैपन टू बी देयर एंड आई वाज इन अ रेस्टोरेंट हैविंग माय लंच, आई सॉ एन इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल लुकिंग यंग गुजराती कपल एक दूसरे के सामने बैठे थे और एक दूसरे को वैलेंटाइन गिफ्ट जो है वो एक्सचेंज कर रहे थे। और लड़की जो थी वो लड़के से कह रही थी, भावेश भाई हैप्पी वैलेंटाइन डे। और लड़का जो था वो लड़की से कह रहा था, जिगना बेन हैप्पी वैलेंटाइन डे। ट्रस्ट मी, आई गॉट सो कंफ्यूज, मुझे लगा कि फरवरी महीने में रक्षाबंधन कब से शुरू होगी। और माफ करना, गुजराती लोग कभी कभी इतना बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर देते, अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन भी कमाल तरीके से करते, मेरी वाइफ है संगीता बेन। वाह, व्हाट आर वी सपोज्ड टू थिंक नाउ? You know? How many Punjabi people in the crowd? Punjabi लोगों की दोस्तों खास बात यह है कि वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री का कल्चर एडॉप्ट करने के बजाय उस कंट्री का कल्चर बदल देते हैं। लोकल लोगों को दो चीजें जरूर सिखाते हैं, चिकन करी और माँ के ऊपर गाली। You know? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक कमाल का किस्सा मैंने देखा। वी वेर एट द डिपार्चर जोन, वी आर वेटिंग टू बोर्ड अ फ्लाइट टू मुंबई, and there was this couple sitting and talking, they were in some intimate talks, but you know, and it's bad manners generally to overhear what a couple is talking, but then this couple was so loud and clear that even if I had to resist I couldn't hear. See, to ladka jo tha wo passionately ladki ki aankhon mein aankhe dal ke keh raha tha I love you, ladki keh rahi tha I love you two, ladka keh rahi tha I love you three, ladki keh rahi tha I love you four. जब इनकी गिनती जब 50 तक पहुंच गई तब अनाउंसमेंट हो गई कि मुंबई जाने वाली फ्लाइट के पैसेंजर्स प्लीज गेट नंबर 2 के पास आना। अब जैसे ही अनाउंसमेंट होगी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, दोनों जोर जोर से रोने लगे। आई सी यू टेक केयर, आई एम गोना मिस यू सो मच, राइट मी ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड जस्ट टैग मी, आई एम गोना मिस यू सो मच। अब लकीली ये रोने वाली औरत जो थी फ्लाइट में बिल्कुल मेरे बाजू के सीट में बैठी थी, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा कि बहन जी आप एयरपोर्ट पे अपने हस्बैंड से जुदा हो रही थी इसलिए आपको रोना आ रहा था? बोले नहीं भाई साहब, मैं वापस अपने हस्बैंड के पास जा रही इसलिए रोना आ रहा है। बाय द वे दिस हैज नथिंग टू डू विद द पंजाबी कम्युनिटी, ओके, इट जस्ट केम विद द फ्लो। हाउ मेनी महाराष्ट्रियन पीपल इन द क्राउड? महाराष्ट्रियन पीपल कम फॉर सच शोज?
आप एक महाराष्ट्र आदमी से पूछे भाई साहब अलका याग्निक का ग्रैंड शो उसमें क्या है, इसको रोज टीवी पे देखते हैं। बाय द वे आई एम अ महाराष्ट्रियन, ओके, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी अ महाराष्ट्रियन, दैट्स द ओनली थिंग वी महाराष्ट्रियंस आर प्राउड ऑफ। देखिए काफी सारी चीजें होती है, जैसे पंजाबी गुजराती मारवाड़ी ये लोग क्रिएटिव होते हैं, यू नो दे हैव देयर प्रायोरिटीज सेट कि यार बिजनेस करना है, पैसे बनाने, व्हाटएवर। महाराष्ट्र लोगों के पास भी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, पर इस प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर एक नंबर वन क्लॉज होता है, ऐसे कौन से नाम है मरा इंग्लिश में हिंदी में जिसको हम ट्रांसलेट करके मराठी में कर सकते हैं, दैट्स अ नंबर वन प्रायोरिटी। अब बीच में बॉम्बे में एक तूफान आने वाला था, तूफान का नाम था टाइफून, सारे महाराष्ट्र चौपाटी पे खड़े हो गए, बोले टाइफून तो इंग्लिश नाम है ना, जब तक मराठी नाम नहीं लेके आते मुंबई में एंट्री नहीं मिलेगी। And being a Maharashtrian, I generally encounter one typical problem. You know, many Maharashtrians must be encountering this problem also. Lot of people think that Maharashtrian people are very arrogant people, you know. But to be very honest with you and very seriously speaking, Maharashtrian people are not arrogant. Baat karne ke mein bhi waise style hogi, chalne bolne ka waise dhang hoga, par dil mein aise kuch nahi hota. Aap ek Gujarati aadmi se puche, bhai sahab, aapke ghar pe sab kaise? Ekdam maje mein yaar. कभी सैटरडे संडे चाय वाय पीने आ जाना। आप एक महाराष्ट्र आदमी से पूछे भाई साहब आपके घर पे एकदम ठीक, तेरे घर पे कभी भी प्रॉब्लम रहेगा मेरे को बोल। वो सिडनी में भी समझते हैं शिवसेना शाखा होगी साइड में। तो प्यार करने में भी दोस्तों कभी कभी एरोगेंस आ जाता है, यू सी। तो दादर विच हैपेंस टू बी, आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव बीन टू मुंबई एंड मस्ट बी फ्रॉम मुंबई। तो दादर इज अ एरिया विच इज काइंड ऑफ एन हब ऑफ महाराष्ट्रियन पीपल, लॉट ऑफ महाराष्ट्रियन पीपल लिव देयर। तो एक महाराष्ट्रियन लड़के को मैंने देखा बस स्टॉप पे अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था, जैसे ही गर्लफ्रेंड आ गई उसे कहने लगा ये कोई वक्त है क्या आने का, हाँ मैं डेढ़ घंटे से अकेला गया इधर, अरे कितनी लिपस्टिक लगाती है तू, हाँ तकरीबन 5 किलो लिपस्टिक लगा के घूमती है। अब वो लड़की भी कम नहीं थी, उसने मतलब इतना ज्यादा मत बोलना, 2.5 किलो आपके पेट में भी जाती है। या so how many south indian people here, by the way this is a Alka Yagnik show, not a AR Rahman show, how come you are here, there's no SP Balasubramanian, I'm joking, you know. So south indian community is the only community in india who have done something substantial to ease global warming in india. Ye log plastic ka istemal karte nahi hai, jitni bhi shopping hai sab lungi mein ho jati hai. Yeah, I was talking about Fijians. Where are they? Fijian log itne expressive hote hain. They're full of energy. Wo kabhi kabhi ek maran geet ka program hota hai na, usme aap 5 Fijians ko bhej dena, wo rock show bana denge uska. And Fijian, there are a lot of Fijians in Vancouver also. We had a amazing problem. It was out of love. The problem came out of love because Alka ji was walking, there were 5 Fijian ladies standing there, they saw Alka Yagnik. Within 10 minutes there was a bomb squad because they thought that the airport might be in a terrorist attack, because moment the Fijian ladies saw Alka Yagnik they were like Alka ji, log dar gaye, you know. But wherever we have performed, most of the times in California or in Vancouver or in Toronto or even in Australia, we just performed in Brisbane, in Auckland, in New Zealand, and in Melbourne. I think an Indian show is absolutely incomplete without Fijian Indians, you know. Thank you very much for being such a lovely community. And we don't generally consider you as Fijians. We consider you as Indians first and then Fijians, you know. So thanks for being such a lovely audience. Stage pe khade rahe ke, when I'm watching you, I think मतलब हिंदुस्तान की जितने भी क्रीम क्राउड था वो पूरा सिडनी में आ गया, बिकॉज आई हैव नॉट सीन सच ब्यूटीफुल लेडीज सिटिंग इन वन सेटिंग एवर, वाओ। आई मीन यू नो, एंड बीइंग एन आर्टिस्ट वी ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड आई हैव कम टू अ फर्म बिलीफ नाउ दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन प्लैनेट अर्थ इज अ एशियन वुमेन, पीरियड। यू नो मतलब हिंदुस्तानी औरत या पाकिस्तानी औरत या बांग्लादेशी औरत सिर्फ खूबसूरत नहीं होती है, काफ़ी पावरफुल भी होती है। Your husbands have not come today? That's why, you know. So anyway.
तो अगर हम हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश का इतिहास देखें, मतलब इतिहास तो सेम ही होगा, 60 साल पहले तक का इतिहास तो सेम है, बट अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा हमने काफ़ी पावरफुल औरतों को जन्म दिया है. यू नो, रानी पद्मिनी हुई, रानी जोधा हुई, रानी लक्ष्मीबाई हुई, इंदिरा गांधी जी हुई, बेनज़ीर भुट्टो हुई, अब राखी सावंत है. यू नो, बिकॉज दिस लेडी कॉल्ड राखी सावंत, व्हाट एवर शी डज शी क्रिएट्स अ बस. अब बीच में राखी सावंत एक इंश्योरेंस कंपनी में गई, एक इंश्योरेंस एजेंट से मिली, उनसे कहने लगे कि देखिए भाई साहब, मुझे टॉप टू बॉटम फुल बॉडी का इंश्योरेंस करना है. तो एजेंट ने कहा कि एक्सट्रीमली सॉरी राखी जी, हम आपके इंश्योरेंस नहीं कर सकते. बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले हम पब्लिक प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस नहीं करते. आई सॉ सम क्राउड, दे वर एंजॉयिंग एंड डांसिंग ओवर हियर. बाय द वे, दिस जेंटलमैन इज गोइंग फ्रॉम हियर. He is the international promoter, Mr. Sandeep Sajdeva. Zordar taliyan ho jaye unke liye. Abhi nahi aayenge. You know. So I saw a couple of people dancing here, and they were really wonderful dancing. Ek lady dance kar rahi thi, le ja pe. Wo gana hai na, le ja. Aise lag raha tha ki dhakke maar rahi hai logon ko. Matlab ek general was le ja. She was like. And then this the whole selfie craze. मेलबर्न में जब शो था तो एक लेडी को कुछ सेल्फी जम नहीं रही थी, तो उसने अलका जी को गाते गाते कहा कि आप जरा नीचे बैठ जाएंगी, मतलब सेल्फी में आ नहीं रही है आप. और अलका जी भी बेचारी गाते गाते शुरू हो गई, ले जा ले जा. you know? अभी एक ईगो प्रॉब्लम सा हो गया ना. आई मीन इट्स अ प्रेस्टीज नाउ. आई वेंट टू एन अलका एग्नि शो, शो मी द पिक्चर्स. तो फोटो इंपॉर्टेंट है. और पता नहीं आजकल मीन ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल, आई नो मैनी प्रिटी वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग गर्ल्स, पता नहीं वो फेसबुक पे अपने चेहरे की पूरी डिस्ट्रॉशन क्यों कर देते हैं. यू नो, एक बहुत ही प्यारी सी नाजुक सी खूबसूरत लड़की है, पर फेसबुक पे उसका फोटो कुछ ऐसे होता है, पता नहीं क्यों. और वो कुत्ते बिल्ली वाले कान और नाक आ जाता है. मतलब आमतौर पे लड़कियां अपनी फोटो डालती है, फिर कोई देखता है, अरे यार शादी के लिए अच्छी लड़की है, इसे देख के डर जाएंगे लोग. यू नो, अजीब अजीब पोजेस होते हैं. और लड़के भी लगे हुए हैं आजकल, एक पैटर्न पोज होती है, पता नहीं क्यों. यू नो, खैर हंसी मजाक की बातें चल रही है, एंड वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम टुडे, एंड वी हैव सो मच टू ऑफर यू गाइज. एंड वी हैव अ वेरी वेरी टैलेंटेड a local singer, because what we have done in this particular tour is Mr. Sajdeva suggested this idea and Alka ji endorsed it, that there is local talent here, correct? I mean, aap yahan par Hindustan se kafi dur rehte ho, but still you listen to Bollywood music and songs, and art ek aisi cheez hoti hai jo upar wala aapko gift deta hai, chahe aap Australia mein ho, chahe London mein ho, chahe India mein ho, ya Kolhapur mein ho, ya Solapur mein ho, ya Singapore mein ho, that art is always there. So we, from the first show itself, we gave chance to local talent which seems to be promising, jo bahut acche hain, jo kafi umda hai. So Sydney mein we have a very very talented singer who I've heard that she sings really great, so even I'm eager to listen to her, and I'm pretty sure you must be all inko jante honge zarur aap. To main unhe stage pe tashreef lane ki daawat dene ja raha hu. Agar aapka pyar, aapka aashirwad, aapka support, aapka inspiration agar inke saath hoga, to who knows, she might fly from Sydney to Mumbai and make something big in Indian music industry also. So Sydney, please join your hands and welcome the very pretty looking Jasmine Gill. So Jasmine, the stage, the audience, the mic is all yours. Thank you. Good evening, everyone. I just feel so lucky and so privileged to be here and to be able to perform on this biggest stage. It's just a dream come true. So the song I'm singing is Tum Mile Dil Khile by Alka Yagnik. It's sung by Alka Yagnik ji. To ummeed hai aap sabko pasand aayega. To shuru karte hain. Ah, 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 ah
Wonderful, Jasmine. Thank you so much. Zordar taliyan ho jaye, you know, because the local community is going to inspire such talent here, and it was really a phenomenal performance. Because I mean, I'm pretty sure in Australia she must be having her own life, but while doing so, keeping your this music aspirations alive and singing in front of the crowd and everything is really a big deal, you know. And that was really a great performance. Zordar taliyan. And I would take an opportunity to thank the very, very important people, because Alka Yagnik Live in Concert is a very high production value show, and bringing it in Australia, traveling all around Australia and New Zealand, it takes a lot of effort, you know. And there are certain important people who are involved in making this dream come true. First are international promoters for Australia, New Zealand, Fiji belt from Showcraft Entertainment. May I request Mr. Rubal Sajdeva to please come on the stage. Hi, Rubal. Come here. You know, a very young, dynamic guy, single guy also. So, you see, mommy, daddy be IOS, so you can, interested moms can meet with the application to his dad. Otherwise, aap loge ke kuch, inke father ko kyun milna hai hame, right? So, a very young, dynamic, smiling, very energetic, very organized, and a very wonderful person. Because we artists, we have a scanner in our brain, coded, you know. Hum jab airport pahunchte hai, पहली बार कंट्री में, और जब हम इंटरनेशनल प्रमोटर को देखते हैं, हमारी स्कैनिंग शुरू हो जाती है. एंड देर आर ओनली टू टाइप ऑफ प्रमोटर्स, राइट? वन हु आर एब्सोल्युटली डेड ऑन इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी. देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, ओके? एंड देर इज अनदर कैटेगरी ऑफ प्रमोटर फॉर मनी. फॉर देम मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इट्स नॉट इन देयर प्रायोरिटी लिस्ट. समटाइम्स पाँचवा छवा नंबर होता है, बट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू ब्रिंग हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट टू द लोकल कम्युनिटी.
And these guys come in the second category. Their main intention was to bring high quality entertainment. आज इन्होंने पिछले साल इन्होंने कुमार शानू जी को लाया था, इस साल अलका याग्निक को लाया था. अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपके ब्लेसिंग्स इनके साथ होंगे तो ज़रूर एक दिन ये इसी स्टेज पर शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को भी परफॉर्म करवाएंगे. राइट, वी हैव ऑल्सो द लोकल प्रमोटर्स फ्रॉम सिडनी. विदाउट देम द एंटायर दिस होल शो वॉज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. ऑन बिहाफ ऑफ हार्ट एंड सोल प्रोडक्शंस, Heart and Soul Productions, the representative of Heart and Soul Productions, wherever you are, if you're close around, please come on the stage. Yeah. Here comes Mr. Rishi Dave. Yeah. He's the first Gujarati I've seen who looks like an Italian. Okay. And then we are very thankful to Sharma's Kitchen, powered by Price Beat Travel and Peg Investments, and also special thanks to Australian Visa and Migration Consultancy Services and Fame Events. Thank you very much. Thank you, guys. You want to speak something, Rubel? Fine? Okay, good. He, by the way, he's a lawyer, if that counts. Okay? And we are here. Now we're going to start the second half of the show. The first half, aapko pasand aaya ya nahi aaya? Zarur? अगर पसंद आए तो जरा जोरदार तालियां हो जाए. राइट, और सारे म्यूजिशियन भाइयों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए. एंड आई जस्ट टेक एन अपॉर्चुनिटी टू गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दिस फिनोमिनल टैलेंटेड आर्टिस्ट हू ट्रैवल एक्सक्लूसिवली विद अलका याग्निक जी ऑल अराउंड द ग्लोब, यू नो, एंड फॉर प्रीटी मेनी इयर्स. तो पहला हिस्सा जो हमने आपके सामने पेश किया था, मैंने पहले ही कहा था, इट्स गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस. द सेकंड हाफ इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रॉकिंग, क्योंकि जितने आपके प्यारे अलका जी के गाए हुए डुएट नगमे हैं और एक्साइटिंग गाने हैं, वो सारे अलका जी आपके सामने पेश करेंगे. देर वोंट बी एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम आर साइड, इट विल बी ओनली अलका जी एंड अ कनेक्शन बिटवीन यू ऑल. सो वी हैव ऑल द लवली म्यूजिशियंस हियर ऑन द स्टेज. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट. ये म्यूजिशियन कम लगते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर ज्यादा लगते हैं. You know, Mr. Navjeet, unke liye zara zordaar taaliyan ho jaye. Next to him on the drums, we have a very, very retro looking guy with his long side burns, Mr. Romeo Lewis. Right in the middle of the stage, there's all this dynamic instruments, and we have a very dynamic personality here on the in this setup. Bahut senior most artist hai, ye hamari khushnaseeb bhi hai कि ये आज हमारे साथ यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं. और एक उभरता हुआ प्लेबैक सिंगर है हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, जिसका नाम है दिव्या कुमार. हैव यू हर्ड अबाउट हिम? ये उनके फादर है. मिस्टर भगवान शिवराम जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए. लेफ्ट हैंड साइड पर एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है, और ये इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ऐसे लगता है कि ये गिटार विटार ड्रम वम एक साथ बजा लेंगे, पर बजाते हैं सिर्फ इतना छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक एबिल्टन, यू नो. मिस्टर रोनाल्ड अलेक्जेंडर, उनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए. उनके ठीक बगल में है हमारे और एक बहुत ही यंग डायनामिक एस्पायरिंग म्यूजिशियन मिस्टर जयेश, उनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए. चेत, आई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू, इज फ्रॉम मेलबर्न, ही लिव्स हियर इन ऑस्ट्रेलिया. And he became a part of us for this particular tour. And now, the most important guy, is artist ko aapne ingenit baar dekha hoga. Aap agar YouTube kholenge aur playback singer ke video dekhenge, to ye aadmi aapko zarur dikhega. You know? And I don't know, he happens to be the only artist maybe, as far as I know, who has extensively traveled. Nobody must have traveled the entire globe as he has done. You name the playback singer and has performed and he arranged music for them. No, I mean, I'm not flattering you. I'm just telling the fact, right? And a wonderful human being. He happens to be, main ye kahunga ki inke karan bahut logon ke career bhi bane hain. Okay? This musician from Melbourne is on the stage because of him, right? So, a very wonderful human being, Mr. Derek Alexander. Zordar taaliyan. Aur saath hi saath, dosto, hamare saath hamare ek sound engineer hai, jo hamare saath Melbourne mein bhi the. He hails from Sydney, फिर ब्रिस्बेन में भी थे और कल हमारे साथ पर्थ में भी आएंगे. वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी है, पर हमारे ग्रुप के भाई है. उनके बगैर दोस्तों हमारी ये आवाज़ आप तक पहुँच नहीं सकती. तो अब्दुल साहब के लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे साउंड इंजीनियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया.
इसके बाद दूसरे हिस्से की शुरुआत करते हैं और उसी कलाकार को मैं स्टेज पर तशरीफ लाने की दावत देने जा रहा हूं, द वन हु स्टार्टेड दिस शो विद सच ग्रैंड स्टाइल एंड बैंड. आई एम प्रीटी श्योर दिस एंट्री इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रॉकिंग एंड एक्साइटिंग. प्लीज योर हैंड्स एंड वेलकम द वेरी टैलेंटेड कौशिक. Thank you so much. This song is very is actually very close to my heart, and this is a Sufi song, and it has been sung and composed by the legend Ustad Nusrat Fateh Ali Khan Sahab. Ek bar zordaar taaliyan inke liye. Aur but this is getting popular in various versions these days. To main chahunga ki mere sath to koi qawwal nahi hai. Qawwali mein qawwal chahiye hota hai. This is a qawwali format of a song. To ये सनी मेलोडीज है, दे आर प्लेइंग विद मी एंड यू प्लीज बी माई कवाल फॉर द नाइट. सो यू हैव टू रिपीट द सॉन्ग बिकॉज दो लाइन करके ये गाना है, बहुत ही मजेदार. लुफ्त उठाइए. मेरे रश के कमर 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 मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा गया पर किसी गिड़ गई काम ही कर गई पर किसी गिड़ गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा गया. Can we put your hands together with the rhythm? Thank you, Sydney. जवानी से टकरा गई और जवानी जवानी से टकरा गई आँख उनकी लड़ी मेरी आँख से आँख उनकी लड़ी मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ हुए वसल की बात पर सुर्ख आरिस हुए वसल की बात पर उसने शर्मा के मेरे सवालात पे ए
ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा जब नजर से मिलाई मजा बदलासा मेरे रश के कमर तूने पहली नजर नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई आया कि नहीं मजा थैंक यू हर्ष हर नहीं मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ आप वंस मोर दे रहे हो हिंदुस्तान की आबादी जो है वो 10 साल पहले 50 करोड़ थी आज 100 करोड़ है सब वंस मोर का नतीजा है तो जब तक हम वंस मोर को काबू में नहीं रखेंगे ना ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ना देश राइट सो एवरी आफ्टर एवरी शो वी थिंक कि नहीं मतलब ये गाना जो है बेस्ट ऑकलैंड में हुआ उसके बाद जब हम ब्रिस्बेन आते हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं बेस्ट ब्रिस्बेन में हुआ आज ऐसे लग रहा है कि पूरे टूर में बेस्ट सिडनी में हुआ यू नो तो कल पर बाकी है सो एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम प्रीटी श्योर यू एंजॉयिंग द शो एंड अगेन ब्रेस योरसेल्फ बिकॉज आई एम गोना इनवाइट वंस अगेन ऑन द स्टेज द वेरी ब्यूटिफुल द वेरी ग्रेसफुल द वेरी एलिगेंट द वन एंड ओनली अलका याग्निक क्या बात है बहुत अच्छी सीटी बजाते हैं आप लोग सिडनी ओके यू पीपल आर वेरी टैलेंटेड आई मस्ट से अब इतना भी नहीं बस हो गया ओके नाउ आई एम गोइंग टू सिंग अ फ्यू ड्यूएट्स फॉर यू मैं कौशिक वाज जस्ट ऑन स्टेज एंड You just heard how awesome he is. He sings so beautifully. I'm going to call him on stage and we'll sing a few duets for you. Kaushik, come back again. Hello. आप रेडी हैं रेडी है ना और कौन कौन रेडी है यहाँ अरे बैठे बैठे सीटी बजाने से नहीं चलेगा यू हैव टू गेट अप एंड डांस ओके कम ऑन रेडी 1 2 सर की जो सर से वो धीरे 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 पागल हुआ रे मैं धीरे 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 तेरी चुनरिया
दिल ले गई। Everyone. सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई आहा, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। All the hands together. तुमसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले सनम, मेरे प्यारे सनम, दीवाने सनम, अनजाने सनम। बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी पायल धीरे धीरे। हाँ बोले तेरा कंगना धीरे धीरे, बोले तेरी पायल धीरे धीरे। एक साथ बोलना है, 1 2 3 एंड नाउ। दिल ले गई तेरी ये बिंदिया, दिल ले गई। Thank you. Thank you. Thank you, girls. चुनरिया वाले जो हैं वो आप बैठिए मत, डांस करते रहिए। हाँ कहाँ हैं आप, दिख नहीं रहे मुझे। हाँ 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 ठीक है।
for all the Shah Rukh Khan lovers. बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, ओ दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर, बाजीगरो बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। पहली नजर में बनी है तू मेरे सपनों की रानी, याद रखेगी ये दुनिया अपनी वफा की कहानी। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, हाँ बाजीगरो बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, हाँ बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, बाजीगरो बाजीगर बाजीगरों। Thank you. And the next one is again for Shah Rukh Khan fans. Can everyone lead the backlight of the mobile and create a history out in Sydney? A request to everyone so that
क्या बात है, थैंक यू सो मच, सो ब्यूटीफुल इट लुक्स, दिवाली लग रही है, दिवाली ऑलरेडी आ गई. वाओ, सो ब्यूटीफुल. और भी हो सकता है. सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमान ये हाय क्यों पिघलने लगा. सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमान ये हाय क्यों पिघलने लगा. मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी. ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है. मध्यम चांद जलने लगा, आसमां ये क्यों पिघलने लगा. मैं ठहरा रहा समय चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी. क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है. रहा है बदल सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं, क्या सदियों से पुराना रिश्ता ये हमारा के जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं. यही रहे हर दम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म. ठहरी रही जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी. हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है. सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये Thank you. Thank you so much. एंड अच्छा जो सीटियाँ बजा रहे थे एक बार फिर बजाइए. अच्छा ठीक है ओके ओके ओके. सीटियाँ बजाना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन सुर और ताल में सीटी बजाना बहुत मुश्किल है. सो माई म्यूजिशियंस आर गोइंग टू प्ले सीटीज, बजाएंगे सीटी वो सुर और ताल में, एंड आई वॉन्ट आप उनके साथ ज्वाइन होकर सुर और ताल में सीटी बजाइए. देखते हैं इफ यू कैन डू इट अ नॉट. ओके, you know you're not going to whistle in any case, I know that
You're just saying yes for the heck of it. Okay, come on. Ready? 1, 2, 3, 4. सच है कहानी है देखो ये पतली बिल्कुल ना पतली ये तो वही दीवानी है ओ, 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 ओ। लड़का बड़ा अनजाना है सपना है सच है फसाना है हाँ ये पगला बिल्कुल ना ये तो वही दीवाना है ओ, 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 ओ। कुछ शोर शराबा चाहिए इस गाने के साथ एवरीवन कम ऑन मेक सम नॉइज़ विद इट सपना है सच है कहानी है हाँ हाँ ये बदला बिल्कुल ना बदला ये तो वही दीवाना है ओ, 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 Sing along everyone ओ, 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 सब कुछ होता है सिडनी में होता है इंडिया में भी होता है कुछ कुछ होता है thank you Kaushik thank you so much God bless Okay, now
The next song I want to sing for you is a fusion of two songs. Do gaano ka fusion hai. Ek jo maine bahut saal pehle gaya tha and I had won a Filmfare award for that song as well. And the other one is the one which I had sung a few years back. It made a lot of news, that song, and both the songs sound very similar. Similar in the sense ki unka rhythm jo pattern hai, the rhythm and the flow of the song is very similar. Itna similar hai ki main ek gaane se start karungi aur gaate gaate dusre gaane mein chali jaungi aur fir wapas I'll come back to the first song. So I'm going to jumble up both the songs and sing it for you. Both the songs have music by A.R. Rahman. So you can hear, it makes for a very interesting fusion. Hear for yourself. No, sorry. The second song is by A.R. Rahman. The first song is by Lakshmikant Kyagulanyi. I stand corrected. Jaisi music shuru ho jayegi, Alka ji, ek minute. Jaisi music shuru ho jayegi, aapki taaliyan honi chahiye. So with the beats, with the music, because this is going to be a blasting session. Just let loose yourself and just enjoy. Just go with the flow. खटमल था सियाना मुझ पे था उसका निशाना चुनरी में घुस गया धीरे धीरे कुछ नहीं सोचा वो बुद्धू कुछ नहीं समझा रेंग के जाने कहां पहुंचा रिंग 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 रेशम का लहंगा मेरा रेशम का लहंगा लहंगा है महंगा मेरा लहंगा है महंगा लहंगा उठा के चलूं घूंघट गिरा के चलूं ring 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 kitna main tadpi thi kitna main roi thi थी अच्छी भली क्यों भला सोई थी हाँ निगोड़े ने मुझको चैन लेने न दिया रोना भी चाहा तो मुझको रोने न दिया हाँ ऐसी थी उस हर जाए की मंकारी मेरे तन बदन में थी लगी चिंगारी Put your hands together. Oh.
घुंघरू पायल का घुंघरू बन जा पायल का घुंघरू मेरी सलामी कर ले मेरी गुलामी कर ले होगा तू होगा कोई बादशाह बादशाह टुक 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 बेगम बगैर बादशाह किस काम का बादशाह बगैर बेगम किस काम की तेरी मर्जी तू जाने मेरी मर्जी मैं जानू मैंने जवानी तेरे नाम की
26 ने मारा मुझे, फिर आगे चक्की में मैं पिस गई। दिन बस महीने के हैं और चल आजा पिया बाहर, तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया बाहर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस ग्यारह बारह तेरह दिन बने हफ्ते हफ्ते महीने महीने बन गए साल। आके जरा तू देख तूने क्या हुआ है मेरा हाल। दीवानी घर घर में फिरती हूँ, मैं जीती हूँ ना मैं मरती हूँ, तन्हाई की रातें कहती हूँ आजा 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 के दिन गिनती रहती हूँ। Come on, Sydney, you can do better than that. Come on. Ek do teen. Ek do teen. सबको याद हो गया? सबको 13 तक की गिनती याद हो गई? Okay, so I'm here today and I have taught you how to count from 1 to 13. तो अपना lesson याद रखना, क्योंकि अगली बार जब मैं आऊँगी तो मैं इसके आगे आपको सिखाऊंगी. Okay, please do your homework. Okay, all of you. Don't be naughty, you have to stand on the bench otherwise. किसको खड़ा करूं? किसको? कौन कौन किसको बताओ ना. क्यों ये मुर्गा नहीं बन सकती? मुर्गी बनेगी. अरे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह एवरीबॉडी कमर गुड़िया हाथ उठा दो. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस ग्यारह. Sydney, you were a beautiful audience. For an artist, the audience is very important because we get your energy, we get our energy from you. So I had a lovely time performing. I really enjoyed myself because all of you are so lively and so enthusiastic, and you really did participate with me today in the show. And before I go, I'd just like to say, वही कहना चाहूँगी जो मैं अपने दोस्तों से अपने फैन से हमेशा कहती हूँ. तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता हो रहा है जुदा दोनों का.
Again very soon. Tab tak ke liye, good night, Shubh Ratri, all my love. Thank you very much, Sydney. Before we started this grand musical extravaganza, I promised you that today's show is going to be one of the most mesmerizing and one of the most memorable musical evening of your lifetime. If you have genuinely felt so, hamare musician bhaiyon ke liye zara zordar taaliyan ho jaye. और जाने से पहले आप अपने आप के लिए जोरदार तालियां भी दिए जाइए फॉर बीइंग सच अ लवली इनक्रेडिबल ऑसम वंडरफुल ऑडियंस टुनाइट. वी आर रियली थैंकफुल टू डॉक्टर माधवी मोइंद्रा हु वाज द कोरियोग्राफर ऑफ दिस द शो हु फॉर द डांसर्स हु वेयर अ पार्ट ऑफ द शो. ऑल्सो वी आर वेरी थैंकफुल टू शो बीट एंटरटेनमेंट मिस्टर सिकंदर खान हु हैपेंस टू बी आवर प्रमोटर फ्रॉम इंडिया एंड ऑल्सो मिस्टर नीरज मिश्रा on behalf of CEO of Octave Entertainment, who manages Alka Yagnik exclusively. Without their contribution, their support, the show would have been absolutely incomplete. And last, not the least, but Sydney, you were absolutely amazing like always. You are the benchmark for great audience all around the world, you know. It is simply amazing to perform in front of the lovely audience like you. And we hope Rahi Zindagi to ek baar fir milenge. Tab tak aap apna khoob khayal rakhiye. और दिवाली की इन एडवांस शुभकामनाएं. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. लव यू गाइज़.